हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेयस बाड़। वेलकम टू महाराष्ट्र एस एकेडमी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ टू रीड योजना मैगजीन। करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन के लिए एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, योजना मैगजीन को कैसे पढ़ें, उसके नोट्स कैसे बनाएं, आर्टिकल कैसे पिक करें, इफिशियंटली कैसे मैनेज करें, इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। First of all, let me talk about myself. So my name is Shreyas Bard. I am the founder and board member of Maharashtra S Academy. I have done my graduation in mechanical engineering and post-graduation in CAD/CAM. I have 5 years of experience of UPSC coaching and 7 years of total teaching experience. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि योजना मैगजीन होता क्या है। What is योजना मैगजीन? तो योजना मैगजीन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको रिलीज करने का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इट इज एनरिच विथ हाई क्वालिटी डिस्कशंस, एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन ओवर मेजर इशूज जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इलिटरेसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ओपिनियंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स एंड सोल्यूशंस टू आवर कॉमन चैलेंजेस। तो इन सभी चीज़ों के बारे में योजना के अंदर हाई क्वालिटी कंटेंट होता है। आगे चलते हैं, विच इशूज आर फोकस्ड इन योजना। इस मैगजीन के अंदर कौन कौन से इशू फोकस किए जाते हैं? वैसे तो हर मंथ इसमें एक पर्टिकुलर इशू के बारे में डिटेल में चर्चा होती है। तो यहाँ पर अगर हम एक साल के लिए योजना पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट 12 टॉपिक्स या 12 इश्यूज हमारे अच्छी तरह से कवर हो सकते हैं। सो इश्यूज लाइक पावर्टी, एनर्जी, वुमेन एम्पावरमेंट, लिटरेसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वेलफेयर स्कीम, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज में कवर होते हैं। ठीक है, अब ये जो इश्यूज हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इनके बारे में कौन लिखता है? तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीताराम येचुरी सर, शशि थरूर सर, तो इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये इनके बारे में लिखते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज, सीनियर जर्नलिस्ट, चीफ एडिटर्स ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ वेरियस कमीशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, बुक ऑथर्स, एक्टिविस्ट, मिनिस्टर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स। तो ये सभी लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी भर एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर काम किया होता है, रिसर्च किया होता है, थेसिस प्रोड्यूस किया होता है, तो इनकी सारी मेहनत उस मैगजीन के अंदर होती है जो हमें पढ़ने को मिलती है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज ये है कि इतना जो हाई क्वालिटी कॉन्टेंट है उसे हम यूपीएससी के लिए यूज कैसे करें या फिर क्यों करें। So why to read this particular magazine for UPSC? So it's a treasure of high quality content, ये हम जान चुके हैं। और ये जो high quality content है ये आपको कहाँ पर इस्तेमाल करना है? You can use that content for your mains answer writing. तो UPSC mains के अंदर जो dynamic questions होते हैं जिनके बारे में 99% students काफ़ी ज़रा ambiguous रहते हैं, तो उनकी ambiguity यहाँ से दूर हो सकती है because उसका जो content है आपको योजना में बड़े आराम से मिल जाएगा। सेकेंड चीज है एसे। तो यूपीएससी के अंदर एसे जो होता है वो भी काफी डायनामिक होता है, उसके जो टॉपिक्स है वो भी काफी डिफरेंट होते हैं, दे आर नॉट कन्वेंशनल। तो इस तरह के अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल चीजों को टैकल करने के लिए योजना काफी हेल्पफुल है। तीसरी चीज है आपका ऑप्शनल, चाहे कोई भी हो, इट कैन बी सोशियोलॉजी और पोलिटिकल साइंस और व्हाटएवर, आपके हर ऑप्शनल में योजना आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। और चौथी बात है प्रिलिम्स। तो प्री के लिए भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी योजना के अंदर होती ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर मेंस, एबिलिटी टू थिंक, हमारे अंदर सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, उसको डेवलप करता है, और हम रेमेडीज के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो यूपीएससी का जो मेन्स एग्जामिनेशन है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे रेमेडीज मांगते हैं, सॉल्यूशंस मांगते हैं, राइट? और उसके लिए हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम किसी पर्टिकुलर इशू का सॉल्यूशन दे पाए, और ये एबिलिटी विद इन वन डे हमारे अंदर डेवलप नहीं होगी। तो जब हम इस तरह का कंटेंट डेली पढ़ेंगे तब जाके दूसरों से हम सीखेंगे। सो दिस इनहिबिट्स, और वी कैन से इट इज गोइंग टू डेवलप दैट काइंड ऑफ थिंकिंग एबिलिटी। उसके बाद में चीज आती है परस्पेक्टिव बिल्डिंग। तो हमारा किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो परस्पेक्टिव होता है वो ये मैगजीन ठीक करती है, उससे बनाती है, और उसके साथ साथ इट मेक्स यू एम्पैथेटिक। सो एम्पैथी इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी इंटरव्यूज, राइट?
अगर इंडिया के वेरियस इश्यूज के बारे में आप कंप्लीटली न्यूट्रल हैं, आपके अंदर कोई एम्पैथी है ही नहीं, देन व्हाई वुड द गवर्नमेंट सेलेक्ट यू? तो ये काफी कॉमन सेंस वाला सवाल है, राइट? तो इस तरह से ये सारी बातों में यूपीएससी के लिए हेल्पफुल है, इसलिए हमको योजना पढ़नी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि योजना को इफिशियंटली कैसे पढ़ें, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और एक सीरियस एस्पिरेंट को बहुत सारे काम करने होते हैं एक दिन में। जीएस भी पढ़ना है, सीसैट भी करना है, ऑप्शन का भी ध्यान देना है, तो ये सारी बातें मैनेज करते करते हो सकता है कि योजना मैगजीन थोड़ा सा पीछे रह जाए या फिर योजना मैगजीन को टाइम ज़्यादा एलोकेट हो जाए। तो ऐसी बातें ना हो, इसीलिए यू हैव टू मेंटेन द एफिशिएंसी। तो कैसे मेंटेन करें? तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि इसे एक दिन में फिनिश नहीं करना है, नॉट टू फिनिश इन अ डे, बिकॉज देर आर 12 to 14 आर्टिकल्स इन वन मैगजीन एवरी मंथ। तो आपको सभी आर्टिकल्स एक दिन में फिनिश नहीं करने हैं। सो व्हाट शैल बी द आइडियल टारगेट? इट शुड बी 2 to 3 आर्टिकल्स पर वीक। और हर आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका फ्लो अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो योजना के हर आर्टिकल का फ्लो कैसे होता है? सबसे पहले उस चीज़ का इंट्रोडक्शन, तो ऑथर जिस इशू के बारे में बात कर रहे हैं उस इशू का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देते हैं। उसके बाद में आता है उस इशू के बारे में एनालिसिस, उसका एक डेटा, और उसके बाद रेमेडीज एंड लास्टली कंक्लूजन। तो इस तरह से किसी भी आर्टिकल का एक फ्लो होता है। अगर आप इस फ्लो को अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो आपके लिए योजना पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट? अब ये तो हो गई बात पढ़ने की। पढ़ने के बाद इम्पॉर्टेंट है नोट्स बनाना। अब इसके बारे में पीपल आर क्वाइट बाय फॉरगेटेड। कुछ लोगों को लगता है कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए। तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो ऐसा सोचते हैं कि हमें नोट्स बनाने चाहिए। जहाँ तक कि हमारे एक्सपीरियंस की बात है, अगर आपको योजना मैगजीन कवर करनी है पूरे साल भर, तो ऑब्वियसली वहाँ पर 12 मैगजीन होने वाली है। एक मैगजीन के अंदर कम से कम 12 से 14 आर्टिकल्स हैं, मतलब कि ऑन एन एवरेज यू आर गोइंग टू कवर 120 to 130 आर्टिकल्स इन वन ईयर। तो 120 से 130 आर्टिकल का कंटेंट अगर आप याद रख सकते हो देन इट इज़ वेरी गुड, और अगर नहीं रख सकते हो देन यू हैव टू मेक नोट्स। तो नोट्स कैसे बनाएं? सबसे पहले योजना के लिए सेपरेट नोटबुक होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मेक द एप्ट स्पेस फॉर 12 टॉपिक्स, बिकॉज एक साल के करंट अफेयर्स में, एक साल अगर आप योजना पढ़ते हैं तो आपके पास 12 मेजर इश्यूज आने वाले हैं। तो इन 12 इश्यूज के लिए आपको बीच में स्पेस छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज एवरी टॉपिक, हर एक जो इशू है उसके ऊपर कम से कम 13 से 14 आर्टिकल रहने वाले हैं, और आपको हर आर्टिकल की समरी उसमें लिखनी है। अब वो समरी कैसे बनानी है, कैसे एग्जैक्टली कंटेंट पिक करना है, इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। सो ग्रेजुअली यू कैन स्टार्ट गैदरिंग द कंटेंट फॉर मेंस। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे मेंस के लिए आपका कंटेंट गैदर होते रहता है, और ये चीज़ आपको पूरे साल भर करनी है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू लुक बैक, आप देखेंगे कि आपके पास मेंस का एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट रेडी है विद द इश्यूज एंड विद द बायफर्गेशन। तो उस चीज़ को आपको रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन। तो क्या क्या आपके पास गैदर हो सकता है? इंपॉर्टेंट कोट्स जो आप एसे के अंदर, मेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स जो आप डायनेमिक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट हेडिंग्स, डेटा एज वेल एज रेमिडीज। तो इस तरह से बहुत सारा डायनेमिक कंटेंट आपके पास गैदर होता रहेगा डे बाय डे। तो इस पूरे कंटेंट को रिवाइज कीजिए डिलीजेंटली एंड चेंजेस कैन बी सीन। आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। अब कौन से चेंजेस? सबसे पहले चीज है आपकी वोकैबलरी। डेफिनेटली योजना मैगजीन इज गोइंग टू इम्प्रूव योर वोकैबलरी, बिकॉज ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट होता है रिटन बाय इंटेलेक्चुअल्स। तो उनकी जो लैंग्वेज है, उनके जो वर्ड्स हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर एब्जॉर्ब होते रहेंगे। सो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर वोकैबलरी। सेकेंड चीज़ है आपकी रीडिंग स्किल्स। थर्ड चीज़ है आपका अवेयरनेस रिगार्डिंग मल्टीपल इश्यूज ऑफ इंडिया। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टेंट कॉन्क्रिटाइजेशन। आपका जो कॉन्टेंट है वो कॉन्क्रीट होता रहेगा फॉर योर मेन्स एज वेल एज एसे एंड मेनी अदर थिंग्स। तो इस तरह से बहुत से इसके फायदे हैं, एंड इन दिस पर्टिकुलर वे यू कैन रीड योजना मैगजीन। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और सबसे मेन चीज है सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
थैंक यू।